देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के हेडलाइन पर। महाराष्ट्र में बना मोदी का मंदिर, अयोध्या में मंदिर निर्माण से बेहद खुश है कार्यकर्ता। नागपुर के शासकीय विज्ञान संस्था के अध्यक्ष बने सबका, अनहोनी का झांसा देकर महिला से ठगी। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बनवाया है। मंदिर के भीतर मोदी की एक मूर्ति लगाई गई है। मोदी का मंदिर बनाने वाले मयूर मुंडे नामक कार्यकर्ता का कहना है कि प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है, इसलिए मोदी के सम्मान में उन्होंने यह मंदिर बनवाया है। यह मंदिर पुणे के औंध इलाके में स्थित है। रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर काम करने वाले मुंडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने विकास के बहुत से कार्य किए हैं और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने, राम मंदिर बनवाने और तीन तलाक जैसे मुद्दों पर काम किया है। मुंडे ने कहा कि मुझे लगा कि जिस व्यक्ति ने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया उनके लिए एक मंदिर होना चाहिए, इसलिए मैंने अपने परिसर में यह मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मुंडे ने बताया कि प्रधानमंत्री की प्रतिमा निर्माण में लगे जयपुर के लाल मार्बल और निर्माण की लागत 1.6 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि मंदिर में मोदी को समर्पित एक कविता भी देखी जा सकती है। दूसरी खबर, प्रदेश सरकार ने नागपुर के शासकीय विज्ञान संस्थान के नियामक मंडल पर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने वाले अध्यक्ष और सदस्य पद पर कुल 4 लोगों को नियुक्त किया है। मंगलवार को उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासन आदेश जारी किया है। सरकार ने नागपुर के शासकीय विज्ञान संस्थान के नियामक मंडल के अध्यक्ष पद पर उपराजधानी के राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर विकास सपकाल को मनोनीत किया है। सपकाल की नियुक्ति शिक्षा विशेषज्ञ प्रवर्ग से की गई है, जबकि सदस्य के रूप में उद्योगपति प्रवर्ग से नागपुर के बायोकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के CMD डॉक्टर सुहास टी बुद्धे और पेशेवर प्रवर्ग से नागपुर के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉक्टर मनोहर मुद्देश्वर को नामित किया गया है। तीसरी खबर, संतान प्राप्ति और अनहोनी दूर करने का झांसा देकर एक महिला से फर्जी साधुओं ने गहने और नकदी उड़ा लिए। यह वारदात गिट्टी खदान थाना क्षेत्र के गोरेवाड़ा बस्ती में हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर कथित लखन सावंत व उसके साथी की खोज शुरू कर दी है। 31 वर्षीय वंदना का पति टैक्सी चालक है। 8 माह पूर्व लखन सावंत साधु की वेशभूषा में साथी के साथ वंदना के घर आया। उन्होंने वंदना को बातों से प्रभावित कर उसकी परेशानी जान ली। उन्हें पूजा पाठ से दूर करने का झांसा देकर 1,500 रुपए ऐंठ लिए। फिर 6 जून को पुनः वंदना के घर आए और 25 अगस्त तक उसके परिवार में बड़ी अनहोनी होने का भय बताकर इसे दूर करने तथा संतान सुख के लिए वंदना को तत्काल पंचधातु पूजा करने को कहा। भयभीत वंदना ने अपने सोने का मंगलसूत्र तथा कान के टॉप्स आरोपियों को दे दिए। चांदी की बिछिया, तांबे का लोटा आदि 23,000 रुपए का सामान भी दे दिया। इसके बाद आरोपी सिद्धि हासिल करने के लिए पूजा करना बताकर फरार हो गए। वंदना द्वारा कॉल करने पर लखन सावंत बहाने बनाता रहा, फिर उसने मोबाइल बंद कर दिए। ऐसे में वंदना ने गिट्टी खदान पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहे और देखते रहे MNS News Live। नमस्कार।